कुछ साल पहले अर्जेंटीना के गवर्नमेंट को एक स्पेशल रूल बनाना पड़ा था, जिसके चलते कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम मेसी नहीं रख सकते थे। और इसके पीछे रीजन था ये बंदा लियोनेल मेसी, क्योंकि वहां पर मेसी नाम के लोग इतने हो चुके थे कि आगे चल के सबकी पहचान खतरे में पड़ जाती। मेसी इज वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल, जिन्होंने 6 बैलन डोर अवार्ड्स जीतकर कई रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। वैसे तो मेसी नाम और मेसी के रिकॉर्ड्स तो सब जानते हैं, लेकिन मेसी को मेसी बनाने के लिए कितनी मुश्किल और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। और इनकी ये जर्नी काफी इंस्पायरिंग भी रही है। इस बंदे को 10 साल की छोटी उम्र में ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी जैसी भयानक बीमारी का सामना करना पड़ा। इस बीमारी के चलते बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है, और फुटबॉल तो एक ऐसा गेम है जिसमें बंदे का कद बहुत मायने रखता है। 10 साल की उम्र में अगर ऐसी सिचुएशन आए तो बहुत से बच्चे कूदते हैं, हार मान जाते हैं, पर हार मान जाए वो लेजेंड कैसा। और इस बीमारी के इलाज में इस बंदे को छोटी सी उम्र में हर दिन अपने पैरों पर इंजेक्शन लगवाना पड़ता था, जो कि एक 10 साल के बच्चे के लिए बहुत ही तकलीफदायक था। और इस बीमारी का इलाज भी काफी महंगा था, जिसके चलते इनके पेरेंट्स की सारी सेविंग्स खत्म हो गई। और ऐसी हालात में कोई उन्हें लोन देने के लिए तक तैयार नहीं था, क्योंकि मेसी के पिता एक मामूली वर्कर थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। दोस्तों, हर विनर में एक बात कॉमन होती है, और वो ये कि कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी तकलीफ हो, कितनी बार भी हार का सामना करना पड़े, ये तब तक पीछे नहीं हटते जब तक ये जो चाहते हैं उसे हासिल नहीं कर लेते। और ऐसे बुरे वक्त में मेसी ने भी कभी हार नहीं मानी, पर अपनी प्रैक्टिस को डबल कर दिया, क्योंकि इस उम्र तक आते आते फुटबॉल उनके लिए एक गेम से बढ़कर उनकी जिंदगी बन चुका था। ऐसी बीमारी के हालात में ये बंदा मैच खेलने के लिए चला गया, और इसका इनाम उसको तुरंत मिला, क्योंकि मैच देखने के लिए बार्सिलोना यूथ क्लब के डायरेक्टर आए थे। मेसी का गेम देखकर वो काफी इंप्रेस हो गए और तुरंत मेसी के माता पिता से मिलने चले गए। उनसे मिलने के बाद उन्हें पता चला कि मेसी को एक ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी नामक बीमारी है। इसके बाद उन्होंने मेसी के माता पिता को एक ऑफर दिया कि उनकी टीम मेसी के इलाज का सारा खर्चा उठाएगी, लेकिन उसके लिए मेसी को स्पेन आकर बार्सिलोना यूथ क्लब के लिए खेलना पड़ेगा। उस हालत में मेसी का इलाज करना उनके पेरेंट्स के लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए वो तुरंत ही इस ऑफर के लिए मान गए और मेसी स्पेन चले गए, जहां उनका ठीक से इलाज हुआ। लेकिन इस बंदे की छोटी हाइट के चलते कई बार उन्हें अपनी टीम में खेलने का मौका नहीं मिला, और मौका मिला तो भी उनके टीम मेंबर्स उन्हें बॉल पास नहीं करते थे। पर मेसी तो मेसी है, वो जैसे तैसे करके बॉल ले लेते और फिर 15-15 मिनट तक कोई उनसे बॉल छीन नहीं पाता था। आज कोई ऐसा फुटबॉल लवर नहीं होगा जो मेसी को नहीं जानता। मैं तो कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो फुटबॉल को मेसी की वजह से जानते हैं। 2012 में 91 गोल बनाने वाले मेसी इकलौते खिलाड़ी बने, और इसके चलते उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया। ये ऐसे इकलौते प्लेयर है जिनके पास 6 गोल्डन बूट अवार्ड्स हैं। इसके साथ ही मेसी सोशली भी बहुत सी चीजों में एक्टिव है। 2012 में इन्होंने एक बच्चे के 6 साल के मेडिकल बिल्स के लिए स्पॉन्सर किया था, जो ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी नामक बीमारी का सामना कर रहा था, जिससे कुछ साल पहले ये बंदा खुद गुजर चुका था। दोस्तों, कहते हैं हर सपना पूरा होता है, हर ख्वाहिश पूरी होती है, और ये दुनिया भी झुकती है। बस बंदा झुकाने वाला चाहिए जो हर मुसीबत के सामने चट्टान की तरह खड़ा हो। इफ यू वॉन्ट टू बी विनर, हसल लाइक अ विनर। वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं हूं आपका द विल पावर स्टार, मिलते हैं अगले वीडियो में।